गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज पढ़ाएंगे आपको संस्कृत रीडर में हम चैप्टर 11 पुष्पो उत्सव यानी फूलों का उत्सव। जो पुष्पो उत्सव फूलों का उत्सव है ये आपके दिल्ली में मनाया जाता है, तो हम चैप्टर को रीड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने कुछ वर्ड भी लिखे हैं सामने ब्लैक बोर्ड पे। उत्सव प्रिय, उत्सव प्रिय का अर्थ होता है त्योहारों का प्रिय, उत्सवों का प्रिय। कुत्रचित कहीं पर, कुत्रचित कहीं पर। सस्यो उत्सव यानी फसलों का उत्सव, फसलों का उत्सव। यानो उत्सव यानी गाड़ियों का उत्सव। वैजनानी मतलब पंखे, वैजनानी मतलब पंखे। हमें चैप्टर को रीड करेंगे, तो बुक निकालिए अपनी और देखिए चैप्टर 11 पुष्पो उत्सव यानी फूलों का उत्सव। उत्सव प्रिय भारत देश है, भारत देश उत्सव प्रिय, त्योहारों का प्रिय है। अत्र कुत्रचित सस्योत्सव होती, यहाँ पर कहीं तो फसलों का उत्सव मनाया जाता है। कुत्रचित पशु उत्सव, कहीं पशुओं का उत्सव। कुत्रचित धार्मिक उत्सव और कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित ये चयानो उत्सव और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। भारत देश हमारा क्या है, उत्सव प्रिय है, त्योहारों का प्रिय है, तो यहाँ पर हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमे पुष्पो उत्सव इति, इन सब में एक प्रमुख है पुष्पोत्सव। अन्यतम मतलब प्रमुख, अन्यतम मतलब प्रमुख, तो इन सब में एक अन्य है, प्रमुख है, क्या आएगा, पुष्पो उत्सव। अयम फूल वालों की से इति नामना प्रसिद्ध है, यह जो पुष्प उत्सव है ना, यह फूल वालों की सैर के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो पुष्पोत्सव का दूसरा नाम क्या है बेटा, फूल वालों का, फूल वालों की सैर। ठीक है, पुनः रिपीट कर रही हूँ। उत्सव प्रिय भारत देश से, भारत देश उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित सस्य उत्सव होती, यहाँ पर कहीं पर फसल का उत्सव है। कुत्रचित पशु उत्सव, कहीं पर पशु उत्सव मनाया जाता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव होती, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित यानो उत्सव, कहीं पर यान उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव, इन सब में प्रमुख है फूलों का उत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध है, यह फूल वालों की सैर इस नाम से ही प्रसिद्ध है। डेलिया मेरेली क्षेत्र, मेहरौली क्षेत्र अक्टूबर मास से अस्य आयोजन होती, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। तो पुष्प उत्सव का आयोजन कहाँ होता है, कब होता है, दिल्ली में होता है। दिल्ली का मेहरौली क्षेत्र एक स्थान है, वहां पर होता है और अक्टूबर के महीने में किया जाता है। अस्मिन अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, इस अवसर पर बहुत सारे फूल, बहुत प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम, परंतु प्रमुख आकर्षण तो अस्ति, परंतु प्रमुख आकर्षण तो है पुष्प निर्मितानि वैज्ञानि, फूलों से बने हुए पंखे। परंतु प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या है इसमें, फूलों से बने हुए पंखे। जना एतानि पुष्प वैज्ञानि योगमाया मंदिरे भक्तियार काकी इतस्य समाधि चय अर्पयन्ति, लोग इन फूलों के पंखों को, जो फूलों से पंखे बने होते हैं ना, फूलों से बने हुए पंखों को योग माया मंदिर में और भक्तियार काकी के समाधि स्थल में, दरगाह में, वहां पर चढ़ाते हैं लोग। ये फूलों से बने हुए जो पंखे होते हैं, कहाँ क्या करते हैं उसका, योग माया मंदिर में और भक्तियार काकी की समाधि में चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्पे, कुछ तो गुलाब के फूल से बने हुए हैं, केचन करने का है, कुछ कनेर के फूल से बने हुए हैं। अन्य जपा कुसुमे और कुछ दूसरे वो गुड़हल के फूल से बने हुए हैं। अपने मल्लिका पुष्पे, कुछ चमेली के फूल से, इतरे चे गेंदा पुष्प
आसपास कुछ गेंदे के फूल से बने हुए पंखे लोग ले जाते हैं। तो पंखे किस किस के फूलों से बने हुए? गुलाब के फूलों से बने हुए हैं, कनेर के फूलों से बने हुए हैं, दूसरे लोग कई लोग गुड़हल के फूलों से बने हुए पंखे खरीदते हैं, कई चमेली के फूलों से बने हुए पंखे खरीदते हैं और कई गेंदे के फूल से बने हुए पंखों को अपने अपने साथ वहां पर चढ़ाने के ले जाते हैं। आया उत्सव दिवस त्रय यावत प्रचलति, यह जो उत्सव तीन दिन तक चलता है, कितने तक? तीन दिन तक चलता है। एकेशु दिवेशु पतंगानां उड़यन् त्रिविधा क्रीड़ा मल्युद्धम चापि प्रचलति, इन तीन दिनों में पतंग उड़ाना और अन्य प्रकार के खेल कुश्ती आदि भी चलते हैं। आदि प्रतियोगिता का आयोजन भी होता है, किस किस का? पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता होती है, अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन होता है, कुश्ती आदि का आयोजन भी यहाँ पर तीन दिन तक होता है। विगते द्वे द्विशतवर्षे ते पुष्पो उत्सव जनान आनंदति, पिछले 200 वर्षों से फूलों के उत्सव का लोग आनंद उठा रहे हैं। पिछले 200 वर्ष से फूलों का जो उत्सव है, फूल पुष्प उत्सव है, लोग को आनंदित कर रहा है। मध्य कितने वर्षों से? यानी 200 वर्षों से इस कार्यक्रम को बनाया जा रहा है, किया जा रहा है। मध्य यह परंपरा स्थगिता आसी, बीच में ये परंपरा बंद हो गई थी, स्थगित हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात यह मनोहारी परंपरा पुनः समारंभ था, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दोबारा इस सुंदर परंपरा को आरंभ कर दिया गया। पिछले 200 वर्षों से परंपरा चली आ रही है, कुछ समय के लिए परंपरा बंद हो गई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस सुंदर परंपरा को पुनः आरंभ कर दिया गया। पुष्पो उत्सव अद्यापि सो उल्लासम सो उत्साहम के प्रचलति, फूलों का उत्सव, फूलों की सैर आज भी बड़े उल्लास के साथ और बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, आज भी ये उत्सव चल रहा है। देखिए वर्ड मीनिंग, उत्सव प्रिय उत्सवों का प्रेमी, कुत्रचित कहीं पर, सस्य उत्सव फसलों का उत्सव, पशु उत्सव फसलों का उत्सव, ज्ञानोत्सव गाड़ियों का उत्सव, अन्यतम इनमें से एक प्रमुख पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव, इति नामना इस नाम सा प्रसिद्ध है। अवसरे अवसर पर, पुष्प निर्मितानी फूलों से बने हुए, वैज्ञानिक पंखे पुष्प वैज्ञानिक फूलों के पंखे, समाधि स्थल दरगाह अर्पित अर्पित करते पाटल पुष्प गुलाब के फूल, कर्णिकारे फूल कनेर के फूलों से, कनिकार पुष्पे कनेर के फूलों से, जपा पुष्पे जपा गुड़हल के जो फूल थे ना उसको बोलते जपा, गुड़हल के फूलों से, मणिकार पुष्पे चमेली के फूलों से नयंती ले जाते हैं। यावत तक प्रचलति चलता है पतंगा नाम पतंगों का, या पतंग महोत्सव भी चलता है, प्रतियोगिता होती है, उड़िया मतलब उड़ाना, मलि मतलब कुश्ती। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपको चैप्टर की वर्ड मीनिंग करने बेटा और चैप्टर को रीड करना है। आज इतना ही काफी है, थैंक यू।